टाइम ट्रेवल करना आज भी कल्पना माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भौतिकी हमें प्रदान करती है जिससे काल यात्रा करना संभव हो जाता है। टाइम ट्रेवल। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसी महान शख्सियत है जिसने टाइम के बारे में हमारी सोच में बड़ा बदलाव किया है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समय को लेकर हमारा अंदाजा ही बदल देती है। भौतिकी के नियम समय में आगे जाने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन पीछे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे कई सारे विरोधाभास चीजें पैदा होंगी जो हमें अतीत में जाने से रोकेगी। अगर हम पीछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम रिवर्स में जा रहे होंगे, और भौतिकी के नियम रिवर्स में हमें नहीं जाने देंगे। रिवर्स में जाना मतलब भूतकाल में जाकर चीजों को बदलने की कोशिश करना। टाइम ट्रेवल के दौरान अतीत में जाना कुछ विरोधाभास पैदा करेंगे, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह बहुत ही चर्चित पैराडॉक्स है, यानी अतीत में कोई व्यक्ति समय यात्रा करके जाता है और वहां जाकर वो अपने ग्रैंडफादर यानी दादा को उनके जन्म से पहले ही अगर मार दे तो क्या होगा। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि जिसने अपने ग्रैंडफादर को मारा है उसका बच्चा कैसे हो गया और वो अतीत में कैसे आया, उसका बच्चा कैसे हो गया और भविष्य से वो अतीत में कैसे आ गया, यानी कि जो चीज नहीं हो सकती वो भी हमने अतीत में जाकर कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। यानी कि अतीत में जाकर हम चीजें नहीं बदल सकते, यानी अतीत में जाना संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह के विरोधाभास पैदा होंगे। अब हम जानते हैं उन थ्योरीज को जो हमें टाइम ट्रेवल करने में मदद करती है, यानी काल यात्रा को संभव बनाती है। पहला तरीका है वर्म होल। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रत्येक थर्ड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एकदम परफेक्ट शेप में नहीं है, उसमें कुछ विकृतियां हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट में कुछ दरारें, गड्ढे या छेद हैं। ठीक ऐसे ही जो फोर्थ डायमेंशनल चीज है यानी समय, उसमें भी कुछ गड्ढे या छेद या दरारें हैं जो समय में बनते जाते हैं और नष्ट होते रहते हैं। इसे आइंस्टाइन ने वर्म होल नाम दिया। वर्म होल समय में ऐसे छेद है जिसके दो पॉइंट्स हैं और यह एक टनल की तरह है। इस टनल के दो सिरे हैं, पहला सिरा और आखिरी सिरा। टनल के शुरुआती छोर पर भूतकाल और उसके आखिरी छोर पर जाने पर भविष्य आ जाता है। टनल में अगर हम किसी तरीके से प्रवेश करते हैं तो वो टनल हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे हम समय में यात्रा कर रहे होंगे और दूसरे छोर यानी भविष्य में पहुंच जाएंगे। यानी ये वर्म होल हमें भूत और भविष्य दोनों की यात्रा करा सकता है, क्योंकि हम इसके एक छोर यानी भूतकाल से जा करके भविष्य में जा सकते हैं और वापस आखिरी छोर से पहले छोर पर वापस आ सकते हैं। लेकिन ये वर्म होल इतने छोटे होते हैं कि इनमें किसी इंसान को प्रवेश नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर हम किसी तरीके से प्रवेश करते हैं तो वो टनल हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे हम समय में यात्रा कर रहे होंगे और दूसरे छोर यानी भविष्य में पहुंच जाएंगे। यानी ये वर्म होल हमें भूत और भविष्य दोनों की यात्रा करा सकता है, क्योंकि हम इसके एक छोर यानी भूतकाल से जा करके भविष्य में जा सकते हैं और वापस आखिरी छोर से पहले छोर पर वापस आ सकते हैं। लेकिन ये वर्म होल इतने छोटे होते हैं कि इनमें किसी इंसान को प्रवेश नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर हम कई सारे वर्म होल्स को मिला के एक बड़ा सा वर्म होल बनाए तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा वर्म होल बनेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है, जिसे किसी ने सुलझा लिया तो वह टाइम ट्रेवल कर पाएगा। दूसरा तरीका है ब्लैक होल की मदद से समय यात्रा करने का। यह सबसे बढ़िया तरीका है ब्लैक होल। ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड या स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस कारण ये पास के हर ऑब्जेक्ट और प्रकाश तक को निकल जाता है। इसका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल समय को प्रभावित करता है, यानी इसके पास का समय अपनी रफ्तार को अत्यंत धीमा कर लेता है। इस कारण की वजह से अगर हम पृथ्वी से किसी पास के ब्लैक होल के पास उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा समय गुजार कर वापस पृथ्वी पर आते हैं तो हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सब कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि शायद हमारे मित्र या परिवार, जो भी हमारे साथी है, वो काफी बूढ़े हो गए हैं, या हो सकता है कि वो उनमें से कोई रहा ही ना हो। हम एकदम नई दुनिया में आ जाएंगे, जबकि हमारी उम्र में थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ होगा और हम भविष्य में ब्लैक होल की मदद से समय यात्रा करके आ गए होंगे। लेकिन ब्लैक होल की मदद से हम वापस भूतकाल में नहीं जा पाएंगे, हम केवल भविष्य की ही यात्रा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है रफ्तार की मदद ली जाए, यानी हम किसी तेज रफ्तार के ऑब्जेक्ट में बैठकर पृथ्वी के कई सारे चक्कर लगाएं और इतनी तेज रफ्तार कर दें कि उससे समय हमारा धीमा हो जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रफ्तार बढ़ाने पर
समय बहुत ही कम हो जाता है और हम इस रफ्तार को करीबन लाइट की स्पीड के आसपास अगर हम ले जाएं, हम पूरे परफेक्ट लाइट की स्पीड में तो नहीं ले जाएंगे लेकिन उसके आसपास ले जाएं, तो फिर भी हम पृथ्वी के कुछ ही चक्कर लगाएं कुछ मिनटों में घंटों तक और फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं तो हमें एकदम नई दुनिया देखने को मिलेगी। चौथा तरीका है टाइम मशीन। या मशीन बनानी होगी जो हमारे लिए भविष्य में यात्रा करने के लिए एक साधन होगी और इस मशीन को हम बोलेंगे टाइम मशीन और इसमें बैठकर हम भविष्य की यात्रा कर पाएंगे। यह टाइम मशीन वाली बात पता चलती है आइंस्टाइन की समय को लेकर की गई थ्योरी से। पांचवा तरीका है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। यानी पूरे अंतरिक्ष में या इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही कई सारे ब्रह्मांड हैं, यानी कि पृथ्वी की तरह ही कई सारी पृथ्वियां इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी संख्या में मौजूद है और हमारे ही जैसे लोग हमारी जैसी दुनिया बहुत सारी इनके कई सारे प्रतिरूप मौजूद है। अगर हम किसी तरह के पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाए तो वहां पर हम एकदम नई दुनिया में होंगे जिसे कि हम भविष्य कह सकते हैं, जिसे हम समय यात्रा करना भी कह सकते हैं। छठा तरीका, यह उस व्यक्ति के पास है जो अभी समय यात्रा कर रहा है और वो हमें भविष्य में मिलेगा।